एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने अपना जो पुराने वाला शोरूम था उसको तोड़कर उसकी जगह एक नया और काफी ज्यादा बड़ा और काफी लग्जरी शोरूम हमने बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि नया अपडेट आ चुका है। और नया अपडेट में हम जैसे मर्जी चाहे वैसा जो अपना शोरूम है, अपनी जो डीलरशिप है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो शोरूम तो अपना बन चुका है, काफी बढ़िया बना है, लेकिन अभी ना मैंने उसमें चेंजेस किए, काफी चेंजेस किए हैं। ऑफ कैमरा मैंने खेल के उसको थोड़ा सा चेंज किया है और वो मैं आपको चल के वहीं पे दिखाता हूँ। और मैंने ना पिछली बार काफी गलतियां भी की थी और कई कई चीजों का ना मुझे पता भी नहीं लग रहा था, तो वो मुझे बंदों ने कमेंट करके बता दिया था कि ये जो चीज है वो ऐसे होनी है, इसका यहाँ पे यूज होएगा, तो ठीक है उसके लिए थैंक यू। लेकिन देखो आज सबसे पहले जाकर ना मैं पहले ड्रैग रेस चेक करते हैं। और एक मिनट रुको, कुछ मैं आगे वीडियो में बढ़ूं, सबसे पहले ये वाली क्लिप देखो आप। भाई मैं फरारी हार गया यार, फरारी हार गया। अपनी एक रियर फरारी मेरे पास थी और मैं ना वीडियो बना रहा था, लेकिन कुछ ग्लिच की वजह से मुझे वो वीडियो मतलब हटानी पड़ी। लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने रखा था ताकि मैं दर्शकों को दिखा सकूं कि ग्लिच बहुत ही बढ़िया भाई इस गेम में। यार एक ही फरारी थी, वो भी हार गया। आराम से जीत रहे थे हम, आराम से जीत रहे थे। और कोई मैंने गलती भी नहीं की थी, ये नहीं कि मैं जल्दी आगे निकल गया था, बिल्कुल टाइम पर निकला था। लेकिन उस बंदे ने भाई गड्डी स्टार्ट नहीं करी, उसको पता था कि अगर ये रेस से एग्जिट कर देगा तो वैसे ही हार जाएगा। बताओ यार, इतनी रेयर फरारी, सबसे महंगी फरारी, सबसे महंगी कार अपने हाथ से चली गई। लेकिन देखो अभी ड्रैग रेस में ना यहाँ पे एक दो तीन कार आ चुकी है, जिसमें से एक फरारी है और दो तो एसयूवी है यार। लेकिन रेस करनी पड़ेगी, ठीक है, एक से हम रेस करेंगे ताकि जो दोनों कार्स हैं ना वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फरारी से रेस करने वाले हैं, डॉज वाइपर वर्सेस फरारी। वैसे मेरे पास फरारी है नहीं, अगर फरारी मेरे पास होती ना तो मैं फिर फरारी वर्सेस फरारी कर लेता और इस बंदे की जो कार है वो मुझे मिल जाती है। एक मिनट, रेस स्टार्ट क्यों नहीं भाई, फटाफट से स्टार्ट हो रहा, लेट्स गो। तो रेस हो चुकी है स्टार्ट और देखते हैं कि फरारी वर्सेस डॉज वाइपर कौन सी कार जीतती है। ऐसा मुझे लग रहा है कि हम ही जीतेंगे। फरारी 300 से ऊपर चल जाती है क्या? मैं भूल चुका हूँ यार, सबकी जो स्पीड टेस्ट हमने करी थी ना, मैं सबकी स्पीड भूल चुका हूँ। लेकिन चलो अब पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा, लेट्स गो। ठीक है इस बार चलो, शुक्र है उस बंदे ने कम से कम अपनी कार तो स्टार्ट करी। भाई वो वाली फरारी के साथ जब मेरी रेस थी तो कार ही नहीं स्टार्ट हुई थी भाई इस बंदे की। लेकिन जो भी हो, हम जीत चुके हैं और पैसे अभी भी हमें काफ़ी कम मिल रहे हैं, ठीक है। देखो $2,960 का प्रॉफिट, ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है। चलो जब तक ये जो ग्लिचिस है, बैट के प्राइस है और भी काफ़ी ग्लिच आ चुके हैं, तो जब तक वो फिक्स नहीं कर देते ना तब तक भाई हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन चलो अभी देखते हैं कि वो जो दोनों जमूरे थे ना अपने आसपास, उन्होंने कौन सी कार लेके आई है। कोई रियर कार लेके आ जाए तो मजा आ जाएगा यार। माजदा हर जगह छा रही है भाई, माजदा कितनी मिल चुकी है मुझे। अबे यार माजदा कम से कम ना मेरे पास 15-20 होगी, सही बता रहा हूँ मैं, इतनी सारी माजदा मेरे पास हो चुकी है। आपने नोटिस किया होगा भाई, मैंने कितनी बार ये बात मैं बोल चुका हूँ कि माजदा बहुत ज़्यादा अपने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा। चलो अभी अपनी ये वाली माजदा को लेके चलते हैं, ठीक है। वहाँ पर तो ऑडी टीटी आ चुकी है तो वो भी चेंज होएगी। यहाँ पे बैट इस कार, ठीक है, ये लगाते हैं और हमें एक माजदा RX-7 यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। जीत जाएंगे वैसे भी हम। एक मिनट, रेस लगा दो पैसे भाई, इस रेस भी स्टार्ट नहीं हो रही, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको भी स्टार्ट होने में। 3-2-1 लेट्स गो। चलो, ये हमारा पहला शिफ्ट, गुड शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा हार जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं, जीत गया। 10 पॉइंट भाई साहब, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क था। लेट शिफ्ट कैसे हो गया था, मैंने सही तो करा था यार, पता नहीं लेट शिफ्ट कैसे हो गया। लेकिन जो भी हो, माजदा में जीत गया भाई। मुझे एंड मौके पे लगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन चलो हम फिनिशिंग लाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे इसलिए हम जीत चुके हैं। अब देखते हैं कि तीसरी कार कौन सी यहाँ रखी है। ओके, तो अगली कार तो भाई ये क्या, मारुति सुजुकी लेके आ गया भाई, ये तो नहीं चाहिए मुझे। एक काम करते हैं, इस कार को मैं डैमेज है गए, नहीं डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसको टो ट्रैक करवा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो अपनी ये वाली माजदा है, चलो इसको हम यहीं पे खड़े रहने देते हैं, क्योंकि हमने एक एक कार यहाँ पे खड़ी कर रखी है ना। माजदा खड़ी है, डॉज वाइपर खड़ी है, एक मिनट, एक निशान, अच्छा हाँ मैं पिछली बार एक निशान GTR हार गया था ना भाई, एक निशान GTR हम हार गए थे, तो मुझे एक निशान GTR यहाँ पे लाके खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मैं चलकर आपको अपना शोरूम दिखाता हूँ कि मैंने चेंजेस क्या करी है।
ठीक है, तो हम आ चुके अपने शोरूम के पास में, और अभी एक मिनट रुको, इसको पहले यहीं पे खड़ा कर दो, ठीक है। और देखो ये मैंने चेंज करा है, पहले भाई बिल्कुल सिंपल सा लग रहा था, अब देखो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन में बनाया इसको, और अब देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे ना मैंने ये वाला स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, साइड में भी स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे हम डेकोरेशन करेंगे, तो थोड़ा सा ना देखने में समझ रहे हो ना, थोड़ा सा बढ़िया सा हो जाएगा अपना शोरूम। और यहाँ पे मैंने दो गेट लगा रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जहाँ से अपना एम्प्लॉय गया। तो देखो अब आपको पता है अपने पास कार्स काफ़ी सारी है, देखो भाई बहुत सारी कार्स है, तो जब हम कार यहाँ पे रखेंगे उसको सेल पे लगाएंगे ना, तो कस्टमर्स की भीड़ भाई हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने दो दो गेट लगा दिए ताकि कस्टमर को निकलने में अंदर जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और अभी ना थोड़ी सी कस्टमाइजेशन मुझे करनी थी, वो ये करनी है कि मैंने ना यहाँ पे एक मिनट में निशान GTR खड़ी कर रखी है, यहाँ पे एक गेट, वैसे एक गेट में कार आराम से चल जाती है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ लोगों, क्योंकि मैंने पिछली बार दो गेट लगाए थे। ऐसे काम करते हैं अपनी इसी को लेकर चलते हैं ऑडी TT को ना, ठीक है, इसको बैठते हैं इसके अंदर, देखते कि वो वहाँ पर आ जाएगी या फिर नहीं, ठीक है। एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ कि एक में से निकल जाएगी या फिर मुझे दो लगाने पड़ेंगे, नहीं निकल जाएगी आराम से, खुल जाए सिम, ठीक है देखो ये आराम से निकल जाएगी। तो अपने पास ना जो जो पहले थोड़ी सस्ती वाली कार है ना, जैसे कि एक मस्टैंग भी पड़ रखी है अपने पास में, तो मैं सोच रहा हूँ पहले ना इनको मैं बेच के साइड हटाता हूँ, ठीक है, पहले इनको बेच देते हैं, फिर उसके बाद ना हम जो महंगी वाली कार्स है, जो रेयर वाली कार्स है ना, आज उनको भी बेचेंगे, ठीक है। काफ़ी टाइम हो चुका है हमने उनको बेचा नहीं है, और रख के भी क्या करना यार, अपने पास काफ़ी सारी तो हो चुकी है, बेशक एक एक दो दो बचा लेंगे, लेकिन ज़्यादातर मैं बेच ही देने वाला हूँ। तो अपनी जो ऑडी R8 है ना, इसको भी लेके चलते हैं, ठीक है, फटाफट से इसको भी बेच देते हैं। और बिल्कुल नहीं रहा, अभी ये क्या हो गया, एक सेकंड, इसको यहाँ से लेके चलते हैं आगे। भाई अब क्यों नहीं खुल रही है, बताओ ये क्या ग्लिच है यार, अभी खुल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। एक मिनट, एक काम करता हूँ मैं, दूसरी कार लेके आते हैं, ठीक है। एक अपने पास कोई बेकार वाली कार है क्या, ये वाली पट रखी है ना, तो इसको निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कौन सी BMW है क्या, नहीं BMW नहीं, स्कॉडा है, इसको लेके चलता हूँ मैं, देखते हैं कि ये यहाँ से निकल लेगी कि या फिर नहीं। भाई अब क्या हो रहा है, ये खुल क्यों नहीं रहा यहाँ से, वो खुल गया, पता नहीं क्या हो रहा था भाई, खुल ही नहीं रहा था, या फिर मैं थोड़ा सा पीछे रख रहा था कार को, इसलिए नहीं खुल रहा होगा। लेकिन चलो अब इसको भी यहाँ पे सामने खड़ा करते हैं, और स्पेस तो भाई बहुत ज़्यादा है अपने शोरूम में, बहुत ज़्यादा स्पेस हो चुकी है, तो थोड़ा ना खुला खुला भी रखेंगे फिर भी चलेगा यार, क्योंकि चिपका के रखेंगे ना फिर कस्टमर यार ना उस बीच में घुस जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना उससे हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो अभी इसको हम यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, इतना स्पेस बहुत है, ठीक है, कस्टमर के खड़ने के लिए ना आराम से दो तीन कस्टमर खड़ सकते हैं। और अब यहाँ पे जो अपनी अगली कार है ना उसको भी लेके आते हैं, अपने पास एक मस्टैंग है, और अपने पास यहाँ पे कोई दूसरी कार है क्या सस्ती वाली, एक पोर्श है अपने पास में, एक ये पिकअप है और एक ये फरारी है, ठीक है। तो अपने पास तीन चार कार मतलब पड़ी है सस्ती वाली, ठीक है, तो इनको अभी हम बेच के साइड हटाते हैं, पहले जो अपनी मस्टैंग है ना इसमें बैठते हैं और इसको यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, देखते हैं कि ये गेट खुलेगा अब, हाँ ठीक है खुल जा रहा है, लेकिन ये निकल जाएगी मस्टैंग यार, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन नहीं निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी, सारी कार्स निकल जाएगी अब तो, इसका मतलब क्योंकि मस्टैंग देखो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़ी है ना ये, तो अगर मस्टैंग निकल जाएगी तो इसका मतलब सारी कार आराम से निकल सकती है। नहीं यहाँ पर दो ही कार बहुत है, ठीक है, काम करते हैं इस कार को ना, मैं इस कार को यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है इधर लगा दूँ, और ऊपर का फ्लोर भी मुझे आज बनाना है, ठीक है, क्योंकि इतने नीचे में ना सारी कार्स नहीं आ पाएगी, तो ऊपर का फ्लोर बना देंगे ना तो ऊपर भी हम काफ़ी सारी कार्स रख सकते हैं। इसको बिल्कुल सीधा करके लगाते हैं ना यहाँ पे, हाँ इतना स्पेस रख देते हैं इसके बीच में, और मैं नहीं निकल पाता यहाँ से, अगर मैं भी निकल लेता ना तो ठीक हो जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ रहा है, बट कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा सह लेंगे। ऑडी R8 को अब लेके चलता हूँ मैं, देखता हूँ कि ये खुल रहा है, नहीं भाई ऑडी R8 से नहीं खुल रहा, ये देखो बिल्कुल चिपका दी मैंने गाड़ी, लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रही, इसका मतलब ऑडी R8 में कुछ ग्लिच है, ठीक है। देखो बाकी कार्स तो चल जा रही है, तो ऑडी R8 को एक काम करेंगे हम सामने से लेके जाते हैं, जो अपना मेन गेट है ना, ठीक है, वहाँ से लेके जाके देखता हूँ कि वहाँ से तो वैसे चली जाएगी क्योंकि गेट तो खुली रखा है, वैसे निकल जाएगी, हाँ आराम से निकल जाएगी गड्डी यहाँ से, इसको लेके एक मिनट यहाँ से इसको लेके, ठीक है इसको मैं लेके आ चुका हूँ अंदर, और अब इसको भी यहाँ पे खड़ा कर देता है, साथ ही साथ ना मैं सेल पे लगा देता हूँ ताकि कस्टमर आने स्टार्ट हो जाए, या फिर पहले एक ही बार में मैं सारी कार्स खड़ी कर दूँ, हाँ पहले चलो एक काम करते हैं, एक बार में जो अपने पास दो तीन कार और पड़ी है ना तो उनको भी पहले इकट्ठा खड़े कर देते हैं, फिर उसके बाद ना सबको इकट्ठी सेल पर लगा के फटाफट से उनको बेच देंगे। लो भाई इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं, और जल्दी से जो दो तीन कार बची है ना
अब बची कौन सी है, एक पिकअप रहेगी एक फरारी। हाँ तो ये फटाफट से मैं लेके आता हूँ। ओके तो बस अपनी एक पोर्च बची है तो इसको भी लेके चलते हैं और इसको भी वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। वैसे देखो पोर्च भी महंगी आती है लेकिन ये इतनी ज़्यादा रेयर नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी रेयर कार से रखने वाला हूँ ज़्यादातर, तो अभी इसको भी मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ अपनी फरारी के साइड में। और अब एक काम करते हैं फटाफट से इनको बेचते हैं। भाई एक बार एक मिनट, भाई तू क्या कर रहा है, टेबल के ऊपर चढ़ के क्यों आ रहा है भाई, तोड़े गया उसको, एक ही टेबल है अपने पास में। एक बार बाहर चल के देखते हैं भाई, अगर अपना शोरूम भर जाता ना यार सही में बहुत ज़्यादा तगड़ा लगेगा भाई। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे अगर यहाँ से देखे ना तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में, कार अंदर खड़ रखी है। इनको ना थोड़ी बहुत और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जैसे दूसरी जो वॉल्स होती है ना, ठीक है, या फिर जो रूफ़ होती है दूसरी थोड़ी मोटी वाली, तो वो ऐड करते ना तो मैं और ज़्यादा बढ़िया बना लेता अपना शोरूम। लेकिन चलो अभी जितना है उतने में काम चलाते हैं, क्या पता भाई अपडेट में ये ऐड कर दे। लेकिन अभी मैं फटाफट से बस से ही आ चुका हूँ क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं लगाना, ठीक है। मुझे फटाफट से ना अभी कार्स को बेचना है और कल तो ऑक्शन भी स्टार्ट होगी, तो देखते हैं कि क्या पता हमें ऑक्शन से वो जो फरारी है ना वो मिल सकती है। क्योंकि मैं सारी रेयर कार्स की कलेक्शन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अपने पास कम से कम एक तो हो ना, कम से कम एक हो तो ठीक रहेगा। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं जाके चेक करके आता हूँ कि ऑक्शन में कौन सी कार आ रखी है, ठीक है, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। और ड्रैग रेस में भी एक बार चेक करके आ जाएंगे कि ड्रैग रेस में भी कौन सी कार आ रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या लगता है भाई, आई होगी कोई रेयर कार, मुझे तो लगता नहीं है। शेवरलेट है एक, ये भी नकली है, ये भी नकली है और ये भी नकली है, नहीं सारी बेकार कार आई है, तो यहाँ से हमें निकलना चाहिए, ठीक है। ड्रैग रेस से एक बार साथ ही साथ चेक करके आते हैं, नहीं तो हम क्या पता अपना शोरूम को भाई मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, कस्टमाइज़ कर रहे हो और उतने में ड्रैग रेस क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ना मैं फटाफट से जाके चेक करके आता हूँ कि कौन कौन सी कार्स यहाँ पर आ रखी है। एक ही कार आई है क्या आज भाई, आज तो सिर्फ एक ही कार आई है, तो इससे रेस करने का तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं, चलो वापस से चलते हैं अपना शोरूम, वहाँ पे चल के हम अपने शोरूम को ही कस्टमाइज़ करते हैं। फटाफट से चलते हैं अंदर और यहाँ पे ना अपने पीसी की मदद से हम यहाँ पे चलते हैं वेब पेज में, ठीक है। और जो जो कार्स हमने खड़ी कर रखी है ना, कहाँ की जिस जिस पे ये रेड वाला आ रहा है कि यही सारी कार हमारे शोरूम में खड़ी है, तो इनको हम लगा देंगे सेल पे। इसकी हाइस्ट प्राइस है 22,750, तो हम उतना ही लगाएंगे 22,750 पुट इट ऑन सेल। उसके बाद लॉर्ड मस्टैंग है, इसको हम लगा सकते हैं $63,311, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है अपनी एक ऑडी TT, इसके हम लगा सकते हैं 54,600, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे और कौन सी है, एक फरारी है और इसको हम बेच सकते हैं $5,45,018, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम एक चेवरलेट है अपने पास में और इसको हम बेचेंगे 14,14, भाई 9 में तो खरीदिए, कम से कम डबल तो करो यार 18,000, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास है एक पोर्शे है और ये तो हम बेच सकते हैं $3,16,247 में। पूरा सेम प्राइस लगा रहा हूँ जितना उसमें दिखा रहा है। एक ऑडी RR, अच्छा ठीक है, ऑडी R8 भी अपने पास यहाँ पे, इसको 9,15,000 में मैं बेच सकता हूँ। वैसे हमने इसको देखो फ्री में वो मतलब ड्रैग रेस से जीता, बस अपना खर्चा ही गया, एक्सपेंस ही गया इस पर। बाकी तो निसान GTR ठीक है, अच्छा ये पहले वाली है, ठीक है। तो निसान GTR अभी नहीं बेचनी, अभी तो खाली मैं ये दूसरी कार्स बेच रहा हूँ और अपना बंदा भाई मेहनत करने में लगा। लेकिन अब जो वाली बाहर वाली कार्स अंदर आएगी ना, तब इसकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी क्योंकि कार्स काफ़ी सारी है। यहाँ से काम करते हैं, अपना ऑफिस को हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। ये वाला सिस्टम सही है भाई, ऑफिस से ना बाहर आके ओपन कर दो, फिर तो हमें अंदर जाके डोर ओपन करना पड़ता है, तब जाके ऑफिस ओपन होता है, ठीक है। अपना जो ऑफिस है वो ओपन हो चुका है। और यार ये बंदा ना यहाँ से कूद के आ रहा है भाई, तो मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए क्या, लेकिन मैं हटाऊँगा यहाँ रखूँगा तो यहाँ से कूद के यहाँ जाएगा, तो ये उछल कूद करता रहेगा, तो इसलिए रहने देते हैं। और भाई कस्टमर आ चुके हैं अपने शोरूम के अंदर, भाई अब थोड़ा लग्जरी वाला फील आ रहा है ना, पहले छोटा सा तो शोरूम था भाई, ऑफिस ही था अपना, बाहर ही हम कार्स खड़ी करते थे। लेकिन देखो अब इनके पास स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आराम से आके खड़ सकते हैं। तो पहले देखते, पहले ये मोहतरमा आई थी, ये देखते हैं कितना प्राइस बोलती है। 9,15,000 हमने बोला और ये बोल रही है 7,24,000, भाई बहुत बढ़िया, ये तो कम ही बोलेगा मुझे, 7,24 तो काफ़ी ज़्यादा है यार, 8.5 लाख तक की बिक जाएगी आराम से कार अपनी। और ये बोलेगी 7,01,000, भाई प्राइस तो बहुत बढ़िया बोल रहे दोनों, लेकिन इसने ज़्यादा बोला तो हम इसको अपनी कार बेचेंगे। तो 7,24,000 बोल रही है ना, ये गेम फिर से सेव होने लगी, ठीक है, थोड़ा सा रुकेगी, आप भी थोड़ा सा रुक जाओ, इतने में लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और इतने में मैं एक काम करता हूँ, इसको जो अपनी कार है वो बेच देते हैं, 7,24,000 बोल रही है ना, तो एक काम कर तू बार्गेन करके ना 8,50,000 दे दे, ठीक है, 8,50,000, ज़्यादा प्राइस मैंने बढ़ाया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 8,30,000 करते कराते 8,00,000 से ऊपर ही बेचूंगा मैं, हम के नहीं बेचने वाला भाई 8,30,000 में एक ऑडी R8,
नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे दो कस्टमर और आ चुके हैं, एक ने तो अपनी ये खरीदनी है BMW और सॉरी ऑडी S4, ऑडी S4, और ये 18,000 तो बोल ही रही है भाई, 22,000 की हमने लगाई है, तो इसको हम बोलेंगे 21,000, 21,000, बस 3,000 बढ़ाना है। बहुत बढ़िया भाई, बोनी तो बहुत तगड़ी हो रही है अपनी, काफ़ी बढ़िया कार बिक रही है। एक भाई वो बाहरी खड़ रखी है, 54 मैंने बोला, 43 बोल रही है। भाई शोरूम का ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है शोरूम बनाने का, भाई प्राइस बहुत हाई बोल रहे हैं बंदे। इसको मैं बोलता हूँ 52,000, ठीक है, 52,000, 52,000 में खरीद लेगी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम कर देंगे, कोई चक्कर नहीं, 52 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50, ठीक है, बस तेरे को 6,000 बनाना है। क्या बात है यार, बहुत महंगी कार बिक रही है अपनी। यहाँ पे एक मस्टैंग भी बंदा खरीदने आ चुका है भाई, हाथों हाथ बिक रही है, और वो भी जैसे जितना रेट हम चाह रहे हैं ना, ठीक है, उस रेट के आसपास बिक जा रही है। 63 बोला, 51 ये बोल रहा है, तो ये आराम से 60,000, 60 तो नहीं, 60 नहीं, 60 ही, 60 नहीं, 60 ही भाई, 60 में ही खरीद ली गड्डी। और यहाँ पे ओ भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यार, सही में अब थोड़ा ना मज़ा आ रहा है भाई कार को बेचने में। शोरूम के अंदर बेच रहे हैं ना, 3,16,000 मैंने बोला है, 2,00,000 नहीं, आप थोड़ा कम बोल रहे हो, सॉरी आप थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, आपकी बहन से पूछते हैं कितना बोलती है, 2,16 बोला, जो 2,16 से ज़्यादा बोलेगा उसके हवाले ये कार हो जाएगी, 2,26, नॉट बैड नॉट बैड। इससे देखते हैं कितना बोलता है, इन दोनों में टक्कर है, जो ज़्यादा बोलेगा वो कार ले जाएगा। 2,18,000, सॉरी ब्रो आप नहीं ले सकते, आप आ सकते हो मुंबई तो आपको हम कार भेज देते हैं, ठीक है, 2,16 बोल रही है ना, हाँ सॉरी 2,26 बोल रही है, तो ये आराम से ना 3,00,000, 3,00,000, 3,00,000 बोलते हैं पहले, ठीक है, 3,00,000 बोलते हैं पहले, नहीं 3,00,000 नहीं, तो 2,90,000, 2,50,000 से तो ऊपर की बेचनी है जो भी हो, 90 में नहीं मान रही, तो एक काम कर, तो 2,75,000 में ले जा, ले जा ले जा ले जा, कोई चक्कर नहीं, 2,75,000 बहुत है यार, 2,75,000 में भी नहीं कर रही, नहीं फिर तो नहीं ना, इतना भी भाई दीनदयाल नहीं है हम, इतनी सस्ती में भेज दें हम, 2,75,000 तो भाई बिल्कुल जेनुअन प्राइस था। यहाँ पे अपनी फरारी का देखते कितना प्राइस बोलती है, यार ये डैमेज भी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी भाई 4,46,000 बोल रही है, अबे किसी और को क्यों देखना, इसी को बेचो, ये काफ़ी मस्त प्राइस दे देगी मेरे को, 5,30,000, 5,30 नहीं, तो 5,10,000, 5,10 तो ठीक है, ज़्यादा बढ़ा भी नहीं रहा मैं, बहुत बढ़िया 5,10 में भाई फरारी, ठीक है भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्राइस में मिल चुका है। और भाई कस्टमर भी उछल कूद के आ रहे हैं यार, इसको मैं कहाँ खड़ा करूँ यार, ये देखो ये सारे उड़ उड़ के जा रहे हैं, लेकिन चलो अभी मैं अभी रहने देता हूँ, ठीक है, अभी इन पे कार को बेचने पे ध्यान देते हैं, बाद में इसको ठीक कर देंगे। 3,16,000 बोला मैंने, 2,40,000, हाँ ये हुआ ना बात, ये हुई बात भाई, 3,00,000, ठीक है, पहला प्राइस नहीं, 30,000 नहीं, 3,00,000, 3,00,000 नहीं, तो 2,90,000, थोड़ा सा तो बढ़ा लो आंटी जी, 2,40 बोल रहे हो, 40,50,000 तो बढ़ा ही लो, नहीं अब 2,90,000 भी नहीं, तो 2,80,000, बस ये लास्ट प्राइस है भाई, इससे नीचे नहीं करने वाला मैं ना, इससे नीचे करना क्या, बेची दी भाई। और यहाँ पे अपनी एक सिर्फ पिकअप नहीं, पिक अप बची है, तो इसको भी मुझे बेचना है। फिलहाल अभी कोई कस्टमर तो आ नहीं रहा, तब तक एक काम कर लेते हैं, मैं फटाफट से अपना शोरूम है ना उसको ऊपर से भी हम बनाना तैयार करते हैं, ठीक है, तो एक मिनट, कस्टमर आ चुका है, एक सेकंड, अच्छा ये लिखा हुआ आ रहा है डिंजल्ला मिंजल्ला जो भी है, तो इससे इसका मतलब ये है कि मुझे पहले अपना ऑफिस क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, पहले इस पिकअप को बेचते हैं, पिकअप भी काफ़ी सस्ती है, इसका भी जो भी प्राइस मिल जाए ठीक है, हमने 18,000 में बेचना है इसको, और 11,000 तो बोल ही रहा है बंदा, तो एक काम करते हैं भाई, तू एक काम कर, इसको 15 में ले जा, 15,200, ठीक है, नहीं तो एक काम कर, इसको तू 14,500 में ले जा, 14,500, ठीक है, 2,000 तो बढ़ा ले भाई, ले जा ले जा, नहीं बस लास्ट प्राइस है तेरे लिए 13,500, बस इससे नीचे नहीं भाई, इससे 1 रुपये भी नीचे नहीं, चलो भाई बिक गई अपनी कार, दो बंदे और आ चुके थे, 3 आ चुके थे, तो हमें थोड़ा अच्छा खासा पैसा मिल जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, हमें फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ से अपना जो ऑफिस है ना, पहले इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अब चलते हैं फटाफट से अंदर, और अब करेंगे हम इसको कस्टमाइज। तो देखो ऊपर से मुझे करने के लिए ना, सबसे पहले यहाँ पे ना वॉल्स मुझे लगानी पड़ेगी, वैसे देखो अपने पास ना ये ब्रिक वाली भी है, देखो ये रेड वाली भी है, लेकिन यार ये ना थोड़ा सरकारी स्कूल जैसा ना, थोड़ा पब्लिक शौचालय जैसा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसको लगा नहीं रहा हूँ, मैं अभी यही लगाऊंगा अपना जो ये वाले ग्लास है ना, ये वाले, तो यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पीछे तक लेके जाएंगे पूरा,
एक मिनट, यहाँ से ना इसको यहाँ से निकालना, तो ये वाले ग्लास लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इधर करते हैं, देखो ये जो बीच में लाइन आ रहे हैं ना, वो इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं, तो हमें इधर करनी है। ऊपर तो गेट लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो इसीलिए हमें खाली ग्लास ही लगाने हैं। और अब एक काम करते हैं यहाँ से, ठीक है, और अब यहाँ से इसको मोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे करके ना यहाँ से। देखो वैसे निशान पहले से पड़ रखे हैं इस पर, देखो डॉट डॉट से, तो यहाँ से हमें इसको मोड़ देना है, यहाँ तक ये जाएगा लास्ट में। भाई पीछे भी ऐसे वैसे लग जाएगा ना, तो एक काम करूँ मैं जॉइंट कर दूँ क्या इसको, जॉइंट करके कैसा लगेगा एक बार चेक मारते हैं। अगर मैं इसको जॉइंट कर दूँगा ऐसे, तो ये कैसा लगेगा। हाँ वेट, एक मिनट यार, ये सामने ना हमें दूसरे वाले ग्लास लगाने हैं, हम सामने ही वाले लगाएंगे, ये गलत लग गया, इसको रिमूव करो और यहाँ पे एक और ये वाला लगा दो। चलो भाई अपना काम हो चुका है, देखो ये तो इसका बनाने का काम हो चुका है, और अब हमें काम करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर दूँ क्या इधर, एक एक और, ठीक है, एक एक और कर देता हूँ मैं, या फिर मैं यहाँ पर साइड में फेंसिंग कर दूँ। फेंसिंग बेकार लगेगी, रुको मैं यहाँ से मैं रिमूव करके इसको, ठीक है, इसको बस थोड़ा सा एक एक और आगे हम बढ़ा देंगे। पहले यहाँ पे ये लगाते हैं इधर, ठीक है, और एक यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे तो ये वाला डिज़ाइन आएगा ना, ऐसे करके, ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक लगेगा यहाँ पे ये और एक ये, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ पहले ना, चेक मारते हैं कि कैसा लग रहा है, उसके बाद रूफ लगाएंगे, पहले एक बार चेक कर लिया जाए। थोड़ा क्या भाई, मस्त है, मस्त लग रहा है, बिल्कुल ओपी लग रहा है। तो अब हमें इसके ऊपर जो रूफ़ है ना, ठीक है, अब वो लगा देनी चाहिए फटाफट। और एक एक ना मैं यहाँ पे भी सोच रहा हूँ लगा के देख लेते हैं, ठीक है, लगा के देख लेते हैं, कोई चक्कर नहीं, अगर बुरा लगेगा तो भाई तोड़ देंगे, और क्या सीन है, कोई चक्कर नहीं, पैसे तो वैसे भी वापस मिल ही जाता है ना मुझे। तो अगर आप देखा जाए ना, तो मैं यार मस्त है भाई, मस्त लग रहा है, जो भी कहो मस्त लग रहा है। एक मैं काम करूँगा, यहाँ से भी एक जो लाइन है ना रूफ़ की, वो भी निकाल दूंगा, तो जो डिज़ाइन है ना वो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से जो मस्त लगेगा, ठीक है। पीछे लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पीछे से तो वैसे दिखता ही नहीं है, तो इसलिए मैं एक लाइन, एक काम करता हूँ, एक जो लाइन है ना वो और निकाल देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद भाई मस्त लुक आने वाली है। अगर मैं यहाँ पे नीचे लगाऊंगा तो नीचे कैसा लगेगा, ट्राई करेगा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर करके ना यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम कैसा लगने वाला है ये। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अपना ऑफिस है ना भाई, सही में यार, सॉरी अपना ऑफिस नहीं, अभी अपना शोरूम हो चुका है, तो जो अपना शोरूम है ना, ये देखो भाई मस्त लुक आ रही है यार। मैंने ना इधर भी नीचे भी लगा दिया है, तो नीचे से और भी ज़्यादा बढ़िया लुक ये दे रहा है। और अभी एक काम हम और कर सकते हैं, जो अपना कार डीलरशिप है ना, इसको मैं ना यहाँ पे इसके फ्रंट में यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। पीछे ना थोड़ा सा दूर से देखने में तो ऐसा ठीक ही लग रहा है, ठीक है, दूर से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा, वैसे नहीं यार छोड़ो रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना फिर थोड़ा सा देखने में क्या पता बेकार सा लगे, ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर अगर लग जाता ना फ्रंट में तो मैं लगा देता, लेकिन यहाँ लगता नहीं है यार ये। और अपना जो शोरूम का नाम है ना, मैं मुझे वो चेंज करना है यार, ठीक है, मैं वो चेंज करने वाला हूँ। यहाँ से काम करते पहले हम चलते हैं यहाँ पर, तो इसका जो हम नाम चेंज करके ना लग्जरी सुपर कार्स, ठीक है, ये लिख देते हैं। इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं, और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना रखते हैं, ठीक है, इतना बहुत है। और उसके बाद इसको जो थोड़ा पेंट भी हम कर देते हैं, येलो में कैसा रहेगा, या फिर मैं इसको ब्लू कर दूँ, ब्लू एक बार करके देखें कि अगर ये ब्लू में इसको कर देता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा। एक मिनट, दोबारा गेम सेव होने लगी क्या, हाँ सेव होने लग चुके, इसलिए ग्लिच हो रहा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। वैसे येलो में भी ठीक लग रहा है, लेकिन एक बार मैं ब्लू ट्राई करता हूँ, अगर ब्लू बढ़िया लगा तो हम ब्लू कर देंगे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ब्लू में चलते हैं, और नहीं ये तो बहुत बेकार लग रहा है, कुछ ज़्यादा डार्क हो गया, थोड़ा लाइट वाला, ये वाला लाइट वाला थोड़ा सा, यहाँ चलते हैं, नहीं तो बिल्कुल वाइट हो गया ना, ये रखे, नहीं यार येलो मस्त लग रहा है भाई, येलो ही ठीक लग रहा है, ठीक है, ये बढ़िया लुक दे रहा है थोड़ा सा डार्क में। हाँ ये कर देते हैं अब इसको, अब डेट, चलो भाई अब ये बढ़िया हो चुका है बिल्कुल भाई, मस्त लग रहा है। अब देखिए एक बार अगर हम पीछे जाके ना, मस्त भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है अपना शोरूम। और अब हमें काम करना, जो लिफ्ट का सिस्टम है ना, एलिवेटर का सिस्टम है, मुझे अब वो बनाना है। तो उसके लिए देखो मैंने सोचा है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मुझे बीच में से या फिर यहाँ कहीं साइड से नहीं लगाना, ठीक है, हम पीछे से लगाएंगे। जैसे यहीं से ना मैं लिफ्ट का जो सिस्टम है वो बनाने वाला हूँ, और जो स्टेयर्स है ना वो हम निकालेंगे, एक स्टेयर्स भी मुझे निकालनी पड़ेगी ताकि जो कस्टमर्स हैं वो ऊपर जा पाए, क्योंकि वो एलिवेटर से तो जाएंगे नहीं, इसलिए उनके लिए स्टेयर्स मुझे बनानी पड़ेगी। और वो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं निकाल दूँ, वो भी पीछे से निकाल देंगे, ठीक है, यही साइड से कहीं निकाल देंगे, या फिर मैं उस साइड से निकाल दूंगा। अब ये काम करता है, सबसे पहले चल के मैं वो जो सिस्टम है ना उसके लिए पता मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ी सी जो रूफ़ है ना वो तोड़नी पड़ेगी। पहले मैं उस एलिवेटर को कुछ और ही समझ रहा था यार, मैं सोच रहा था वहाँ पर मुझे कार खड़ी करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, और एक में हो जाएगा ना अपना काम। ऊपर देखें एक बार, इतने में अपनी कार नहीं, एक और बनाते हैं ना भाई, इतनी छोटी सी कार तो है नहीं, तो इसलिए दो हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टेयर्स निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, इस वाले कॉर्नर से,
यहाँ से हम स्टेयर्स निकाल देंगे ताकि जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ से, या फिर एक मिनट रुको थोड़ा सा ना इधर इधर से निकालते हैं, सेंटर यही है ना, या फिर रुको एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सेंटर से थोड़ा सा निकालते हैं ताकि थोड़ा देखने में बढ़िया लगे। तो ये हम निकालेंगे इस वाली जगह से, ठीक है, इतना बहुत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कस्टमर तो आराम से यहाँ से निकल जाएगा ना, कस्टमर आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे मुझे देखना है कि एलिवेटर वाला जो वो है ना वो वर्क करेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, एक मिनट कहाँ गया अपना एलिवेटर वाला, एलिवेटर वाला अपना इधर है ना, तो इसके लिए मैं एक एलिवेटर वाला सिस्टम निकालते हैं और इसको लगाते हैं हम, ये बराबर लग रहा ना, ये परफेक्ट बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। मैंने एक बना दिया और ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक से अपना काम चल जाएगा। उसके बाद हमने स्टेयर्स लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेयर्स देखते हैं कि कैसे इसका एंगल हम बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे बना देगा या फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट नहीं होएगा ये, ऐसे ठीक रहेगा, नहीं यार वहाँ से बंदे अटक जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, या फिर ऐसे बना दूँ, ऐसे देखते हैं, ऐसे ठीक लग रहा है मुझे, एक मिनट एक बार देख लेते हैं, बंदा आराम से चढ़ जाएगा ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जाके और यहाँ से आराम से ये ऊपर, एक सेकंड यहाँ से ना, ओ वेट ये अटक रहा है शायद थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा अटक रहा है यार उधर, ये यहाँ से, अच्छा ठीक है ये भी आ रहा ना, तो मुझे एक और रिमूव करना पड़ेगा, ओके ओके ओके, इसका मतलब जो छत है ना वो सर पे लग रही है, तो यहाँ से ना मुझे ये वाली भी हटा देनी चाहिए, ठीक है अब ठीक लग रहा है। और इस स्टेयर को अब मैं थोड़ा सा चेंज करके ना यहाँ से मिनट थोड़ा सा और आगे, नहीं जैसे पहले लगी थी वैसे ठीक तो थी, वैसे क्यों नहीं आ रही है, यहाँ पे ना ऐसे आगे तो थी आ रही है, ठीक है ऐसे करके, हाँ ये हो चुके हैं ना, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब एक बार चेक करके मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर हम ऊपर चलेंगे, हाँ देखो आराम से हम ऊपर यहाँ पे आ सकते हैं और कस्टमर भी आराम से ऊपर यहाँ से आ जा सकता है, तो ये बहुत बढ़िया हो चुका है। और अब जो अपना एलिवेटर है ना यार, एक मिनट मैं एक काम करूँ, मैं एलिवेटर को यहीं पे क्यों ना लगा दूँ ताकि मैं कार जैसे ही अंदर लेके आऊँ सीधा मैं ऊपर लेके चल दूँ इसको, है ना, हम ये भी कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं इसको ना थोड़ा सा हटा के साइड में कर देता हूँ, या फिर इसको मैं इधर कर दूँ या फिर गेट को इधर कर दें, क्या बोलते हो, गेट को इधर करें या फिर इसको इधर, एक काम करते हैं मैं ना यहाँ से एक और गेट निकाल देता हूँ, ठीक है भाई, काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ना मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से पहले चल के ना इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, उसके बाद अपनी जो शटर है ना वो आएगी यहाँ पे, और अपना जो गेट है ना, गेट हम कौन सा लगाए, ये वाला लगा दें, ये कैसा रहेगा, ठीक है, हाँ गेट ये आ चुका है, ठीक है वाला गेट, भाई ये वाला मस्त लग रहा है इससे, एक मिनट, हाँ यार ये वाला मस्त लग रहा है भाई, है ना, बोला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। चलो अभी एक काम करते हैं, मैं अभी चल के ना पहले यहीं से बाहर निकलते हैं ना, वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से निकलेंगे और सबसे पहले यहाँ से जो अपनी माजदा है ना उसको लेके चलते हैं, अपना बंदा धो देगा, अभी धोने की ज़रूरत है नहीं, और अगर मैं खुद धोने लगा ना तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो अब इसको लेके चलते हैं आगे, देखते हैं कि जो अपना एलिवेटर सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करेगा या फिर नहीं, इसको खोलते हैं और इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं सबसे पहले, चलो 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 बस 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 ये पे खड़ा करो जिसको, रात हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, मैं टेस्ट करके जाने वाला हूँ एलिवेटर, अब क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, अच्छा एक और मुझे ये वाली हटानी पड़ेगी शायद से, नहीं तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे कर दूँ, ठीक है यहाँ से तो चल जाएगी ना ये, अब ट्राई करें एलिवेटर अब, नहीं ये हटाना ही पड़ेगा, ठीक है ये पूरा वो जो एक रूफ है ना वो मुझे वहाँ से हटानी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है इसको हटा देते हैं, अब ट्राई करते हैं, अब तो हो जाना चाहिए यार, ठीक है मैंने कर तो दिया बिल्कुल ठीक, और अब यहाँ से करते हैं इसको ऊपर, ओह लेट्स गो, हो गया भाई मैं भी बैठ जाता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे वहाँ से चल के आना पड़ेगा, ये देखो क्या मस्त है भाई, ये बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया सिस्टम हो चुका है, अभी इसको लेके चलते हैं आगे, ठीक है आप अपनी जो कार है ना इसको हम लगाएंगे सेल पर, लेकिन उससे पहले इसको हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं सबसे पहले ना, अपनी माजदा को ना थोड़ा सा पीछे ले जाके, ओ नहीं नहीं गिरना नहीं है भाई, इसको हम यहाँ पे खड़ा कर देंगे ए यहाँ पे, ठीक है और अब चलते हैं फटाफट से यहाँ से, नहीं सबसे पहले मैं अपने घर जाने वाला हूँ, ठीक है रात हो चुकी है ना, रात में मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं रात में ना सारी कार्स पहले ऊपर रख देता हूँ फिर सुबह आपको दिखाता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा ना। ओके तो कल पूरी रात काम करके मैंने काफ़ी सारे जो कार्स हैं वो अपने शोरूम में रख दिए, और अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ भाई, शोरूम अभी भी खाली लग रहा है क्योंकि यार कार वैसे देखने में ज़्यादा लग रही थी लेकिन शोरूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया ना इसकी वजह से, भाई देखो लग रही है कि भाई कुछ ही कार से शोरूम इतना बड़ा है। यहाँ पे मैंने अपनी चार निसान GTR खड़ी कर रखी है, ऊपर मैंने काफ़ी सारी कार्स खड़ी कर दी है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ, और ऊपर ना मुझे सोच रहा हूँ कि मैं और भी कार्स ला के रखूँ, ठीक है देखो यहाँ पे अपनी जो माजदा है ना यहाँ पे मैंने एक दो तीन दो पाँच माजदा यहाँ पे खड़ी कर रखी है, डॉज वाइपर है, एक मिनट निसान को यहाँ से हटा दो,
ठीक है, निसान को एक काम करता हूँ, मैं टो ट्रक भी नहीं करवा सकता ना, निसान मैं सोच रहा हूँ सारी की सारी नीचे रखूँ, ऊपर मैं सोच रहा हूँ ना डॉज वाइपर और जो फरारी है ना खाली मैं वो रखूँ, और नहीं एक मिनट, नीचे ऊपर निसान GTR नहीं, ऊपर अपनी फरारी और उसके बाद अपनी फरारी XX डॉज वाइपर और तीसरी और सबसे रेयर वाली कार वैसे निसान ही है, लेकिन मैंने निसान नीचे रख दिया, तो इसीलिए हम एक काम करते हैं निसान को भी मैं नीचे लेके आता हूँ। सबसे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से जो अपनी माजदा RX-7 है ना पहले इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। और आज मंडे है ना, एक काम करें पहले देख के आ जाए क्या कि कौन सी कार आ रखी है, ठीक है। एक बार एक मिनट, ये तो भाई मॉडिफाई भी नहीं है, इसको पहले मॉडिफाई भी करवाना पड़ेगा। मैं बूस्टर मार रहा हूँ और भाई बूस्टर ही नहीं बज रहा, तो इसलिए काम करते हैं इसको चल के सबसे पहले मैं मॉडिफाई कराता हूँ। और इसमें भी वैसे भी ड्रिफ्ट किट डल रखी है, और आपको पता ड्रिफ्ट किट मुझे पसंद नहीं है, मुझे डलवानी है रेसिंग किट, ठीक है। तो इसीलिए मुझे इसमें भाई फटाफट से पहले इसकी मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं, और मुझे लग रहा है कि एक दो कार्स है भाई जिसमें ना मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो कार्स मैंने बैट से जीती है ना। ओके, तो मैंने इसको मॉडिफाई तो करवा लिया और अब बारी इसको पेंट करने की, तो एक काम करते हैं फटाफट से इसके ऊपर हम पेंट चढ़ाते हैं, ठीक है, स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और मारते हैं पॉलिश। चलो ये तो हो चुका है, और डैमेज मैं एक बार देख लूँ, डैमेज बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, तो इसको मैं सीधा यहाँ से लेके जा सकता हूँ ड्रैग रेस में, ठीक है। चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी कार रखे, लेकिन यार शोरूम भाई बहुत ओपी लग रहा है, बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है, और अगर हम इसके ऊपर और फ्लोर बना देंगे ना, हम 5 फ्लोर मैक्सिमम बना सकते हैं, तो भाई और ज़्यादा मस्त लगेगा, फिर तो समय किसी हवेली से कम नहीं लगेगा ये। लेकिन चलो अभी मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कोई कार आई है महंगी वाली, यहाँ पे कितने बंदे आ चुके हैं, इस बार 2 बंदे और वे BMW है, 3 बंदे आ रखे हैं, तो एक काम करें मैं अभी, ये दोनों मास्ता एक जैसी होगी, लेकिन रेस तो करनी पड़ेगी, एक काम करते हैं मैं BMW के साथ एक बार रेस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो जो दोनों कार है ना वो चेंज हो जाए, ठीक है, फिर देखते हैं अगर कोई सुपर कार आएगी तो हम उससे भी रेस कर लेंगे। 2-1 लेट्स गो। चलो भाई आराम से हम इसको हराएंगे, पहला शिफ्ट, उसके बाद ये बजेगा यहाँ पे अपना दूसरा, लेट क्यों, एक तो था वह तो काफ़ी पीछे रह गया, अबे यार तो छोड़ दो भाई, आराम से जीत गया यार, वो तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। लेकिन चलो मेन ये है कि हमें देखना है कि वो जो दोनों सुपर कार है, दोनों जो कार्स है वो कौन सी आ रखी है यार। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एक आई है, एक मिनट ठीक है, हुआ भाई इसकी कैंपर वैन पीछे कहाँ जा रही है, ये अपने आप ही चल रही है, लेकिन यार मेरा रेस करने का मन नहीं कर रहा, मूड ख़राब कर दिया यार इन्होंने, तो इन ढंग की कार दे ही नहीं रहे, और अभी रेस में भी ना काफ़ी टाइम लग रहा है, गेम सेव हो रही है उसमें भी भाई 1-2 मिनट लग रहा है, फिर जब हम एग्जिट कर रहे हैं रेस से उसमें भी 1-2 मिनट लग रहा है, बकवास है, छोड़ो भाई रेस हमने करनी नहीं है, अभी मैं जाने वाला हूँ फटाफट से। और अब ना मैं जो दूसरी कार्स है ना सुपर कार्स है, जो जैसे कि लैम्बोर्गिनी होगी और अपनी ऑडी R8 या फिर फरारी होगी, वो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है भाई, वो भी हम नीचे वाले फ्लोर पर रखेंगे। अब ये काम करते हैं, अभी फटाफट से चलते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले एक मिनट, ये वाली माजदा रिपेयर, इसकी मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे साफ़ तो है ना ये भाई, ये तो अपनी पुरानी वाली है भाई, इसका तो पेंट ही बहुत मस्त है, तो बस इसको मुझे जाके अंदर खड़ा करना है, ठीक है, इसको ले जाना हमने ऊपर वाले फ्लोर पे। तो एक काम करते हैं इसको, एक सेकंड आगे से लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से ना फिर मुझे गेट खोलना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय ने गेट खोल, हाँ ठीक है गेट तो खोल दे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से निकालते हैं इसको, ठीक है इसको हम यहाँ से लेकर चलते हैं। वहाँ पर भी मैंने कौन सी कार, भाई वहाँ पर भी एक माजदा मैंने खड़ी कर रखी है, उसको भी वहाँ से उठाएंगे। और यहाँ पे देखो एक ना चीज़ हो रही, जैसे मैं आगे लेके जा रहा हूँ ना, एक सेकंड अभी नहीं हुई, लेकिन अपने यहाँ पे ये उठ जा रहा है भाई, ये पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बैठ जा जल्दी बैठ जा इसमें, अबे बैठना था उसमें, ठीक है बैठ गया। चलो अब इसको लेके चलते, और इसको हम लगा देंगे मिनट वहाँ पर तो नहीं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर हमें देना, इसके पीछे लगाते हैं यहाँ, ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा पीछे और करके ना, एक सेकंड इस साइड लगाते ना, तो फिर ना वहाँ पर कार लगाना में दिक्कत होगी, यहाँ पे लेके चलते हैं, कॉर्नर में मैं लगा देता हूँ, लेकिन यार कस्टमर यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना फिर वो आ नहीं पाएगा शायद, लेकिन चलो कोई बात नहीं, राइट साइड में आ जाएगा, तो राइट साइड से आके वो कार को परचेस कर सकेगा। यहाँ पे निकालने में और सॉरी यहाँ पे ना रखने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यार, पहले कैमरा एंगल में चेंज कर लेता हूँ, ये वाला रखते हैं यहाँ से ना, अब ठीक है, अब आसानी से मैं इसको यहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, और यहाँ से लेके चलते हैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे, यहाँ एक मिनट बस मैं अबे थोड़ा सा रुक जा भाई, भागी जा रही है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं, और अब एक सेकंड अबे फंसा दिया मेरे को, अब यहाँ से चलते हैं फटाफट से नीचे, और ये कार कहाँ से आ गई, अबे ये कहाँ से आ गई, एक मिनट यार इसने मुझे यहाँ पे अटकाई दिया, तो वहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, यहाँ से निकलते भाई, यहाँ से भी नहीं निकल पा रहा मैं, चलो कोई बात नहीं, अब मुझे उधर से जाना पड़ेगा जहाँ पे अपना एलिवेटर है ना, चलो इसी को यहाँ से करते हैं नीचे, ठीक है एलिवेटर डाउन करते हैं। वो निशान यहाँ पे कहाँ से आ गई, मैंने उसको तो यहाँ पे,
ये क्या हो रहा है, कैसे पलट गई? कमाल है भाई, अपने आप ही पलट गई है या फिर अपने बंदे ने, मुझे लग रहा है अपने बंदे की शरारत है यार ये। मेरे को पहले इसको मुझे सीधा करने दो। तो यहाँ से एंटर का ऑप्शन, ठीक है एंटर का ऑप्शन तो आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको पहले मैं सीधा कर देता हूँ भाई। अपने बंदे ने तो इसको पलटा दिया भाई, साफ करने को बोलते हैं उसको, गियर ने तोड़ने को थोड़ी बोलते हैं। चलो तो ये आखिरी निशान GTR बची है और इसको मुझे यहाँ पे नहीं खड़ा करना है, इसको हम ले जाने वाले हैं ड्रैग रेस के पास में, क्योंकि वहाँ पे एक भी निशान GTR नहीं है। ठीक है तो उसको हम यहाँ पे खड़ा कर देंगे, ठीक है इसको मतलब वहाँ पे खड़ा कर देंगे, और उसके बाद हमें पैदल ही आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से और कोई कार तो मैं उठा नहीं सकता ना। नहीं एक मिनट, यहाँ पे ये वाली कार कौन सी खड़ रखी है? वेट, ये BMW कूप यहाँ पे क्या कर रही है? ये मैंने कब लाई यहाँ पे यार? अच्छा शायद से मैं रेस से जीत गया हूँ, लेकिन रेस में मैंने BMW से पता नहीं ये कैसे आगे, लेकिन चलो जो भी है अपना थोड़ा काम आसान बन गया, नहीं तो मुझे अभी पैदल जाना पड़ता वहाँ पे। फिलहाल अभी इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ना अभी मैं थोड़ी सी डेकोरेशन, अबे रुक 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 रुक, इसमें भी ड्रिफ्ट भी डल रखी है, ठीक है। थोड़ी सी और जो डेकोरेशन है ना अपने शोरूम की, मैं पहले वो करने वाला हूँ, जैसे कि प्लांट्स वगैरह भी है क्या इसमें, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। और फैंसी है देखो, वो है नहीं तो मैं फैंसी यहाँ पे एक काम करें, फैंस इधर लग जाएंगे ऐसे सीधा। यार देखो ये इसमें हो रहा ना कि ये फैंस भी नहीं लग पा रहे हैं ऐसे रोटेट होके, ऐसे करके लगाते ना तो बढ़िया लगते, लेकिन यहाँ पे तो लग जा रहे हैं, इधर इधर तो आराम से लग जाएंगे, लेकिन इधर लगाने नहीं ना, इधर लगाने थे यार मुझे, यहाँ पे देखें इस साइड करके इधर लग जाएंगे, इधर भी नहीं लग रहे। ये क्या हो रहा है, ऐसे लग तो जाने चाहिए। देखो ऐसे सीधा हो जाता ना, फिर यहाँ से ऐसे घुमा देते, फिर यहाँ से घुमा के ऐसे करके लाते ना, तो भाई लुक मस्त आती, लेकिन ये लग नहीं रहा। ऊपर ऊपर तो चलो लग जा रहा, लेकिन भाई ऊपर लगा दूँ मैं ऊपर, वैसे एक बार ट्राई करें, ट्राई करते रुको एक सेकंड, पहले इसको यहाँ थोड़ा आगे चलो, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ कि ऊपर अगर हम इसको लगाते ना तो कैसा लगता है, लुक कैसी आती है। यहाँ से ये आगे वाले पिन नहीं, यहाँ लग तो जा रहा है, ठीक है यहाँ पे लग जा रहा है। यहाँ से ऐसे करके एक इधर और एक और, यहाँ से मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, मुझे यहीं से इसको मोड़ना पड़ेगा, ठीक है ऐसे करके ना यहाँ पर लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि लुक कैसी आती है। भाई शोरूम कम और सेम मेंशन ज़्यादा लग रहा है। एक यहाँ पे आ जाएगा और ठीक है यहाँ पे तो पूरा हो चुका है कंप्लीट, पीछे तो मेरे हिसाब से लगेगा नहीं है। ठीक है एक बार हम अगर बैक साइड जाके मैं देखूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे रूफ़ लगानी पड़ेगी, और रूफ़ का अगर हम देखता हूँ, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है यहाँ पे अगर मैं लगा के देखूँ ना इसको यहाँ पे, कि ये नहीं देखो ऐसा नहीं लग रहा यार, ऐसे को नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं इसको, इस वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और इधर चलते हैं और यहाँ से रुको, पहले मैं जो रूफ़ है ना पहले पूरी की पूरी कवर कर देता हूँ यहाँ से, मैं पीछे से भी एक यहाँ, ठीक है ये हो गया। और अब यहाँ पे इधर भी शायद ही लगे, फिर नहीं भाई नहीं लगेगा, छोड़ो रहने तो कोई चक्कर नहीं, ऐसे ही ठीक लग रहा है, ठीक है वो कुछ ग्लिच ही हो रहा तभी जाके नहीं लग रहा, लेकिन ये देखो भाई मस्त लुक आ रही है ना। एक मिनट यहाँ पे भी तो लगाना था ना, वेट 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 वेट, ये तो मैं भूल ही गया कि इधर भी लगाना है। देखो ये ऐसे करके एक मिनट, वो वाला गलत लग गया, बट चलो कोई नहीं, इसको मैं वहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा एक और, मस्त लग रहा है, ठीक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। या फिर मैं काम करूँ इसको हटा दूँ और इसको ऐसे सीधा, नहीं चलो जॉइंट हो गया ना, ठीक लग रहा है, ठीक है ऐसे जॉइंट हो चुका है, बाकी यहाँ तो आगे लगेंगे नहीं। एक मैं काम करूँ, रुको इसको थोड़ा सा और आगे कर देता ताकि पीछे पूरी फेंसिंग हो जाए। यहाँ पर ना इसको हम रख देते हैं, बराबर आना चाहिए गेट के ही अपने, ठीक है यहाँ पर रख देते हैं इसको। और अब जो फेंसिंग है ना, अब शायद से पूरी अभी भी नहीं हो रही है, तो नहीं हो जाएगी, ठीक है अब ये पूरी की पूरी फेंसिंग हो जाएगी कंप्लीट। एक मिनट यहाँ पे चलते हैं फटाफट से, इसको कर देते हैं पूरा कंप्लीट, हो गया ठीक है अपना काम हो चुका है। और अब अगर हम देखें ना शोरूम एक बार बाहर जाके कैसा लगता है, भाई यार बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। आप सब बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर कोई सजेशन है तो भाई वो भी बताना जरूर, तो हम उसको अप्लाई करेंगे अपने शोरूम में अगर बढ़िया लगेगा तो। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाके फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।